नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। पूरा देश इस वक्त ऐसी हत्या को लेकर सन्न है जिसमें युवती श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े उसके ही लिविंग पार्टनर आफताब ने कर दिए। पुलिस बता रही है कि पूछताछ में ये सामने आया है कि बहस के दौरान आफताब ने श्रद्धा को चुप कराने की कोशिश की लेकिन गला ही दबा बैठा। लेकिन उसके बाद जो आफताब ने किया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े कर फ्रिज में डाल दिया। हर दिन कुछ बॉडी पार्ट्स को डंप करता रहा ताकि उसकी खौफनाक करतूत दुनिया के सामने ना आ पाए। लेकिन अब ये भी खुलासा हो गया है कि आफताब को ऐसा करने के लिए किसी से इंस्पिरेशन मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा का गला घोंटने के बाद आफताब ने जो कुछ भी किया उसका आइडिया उसे एक अमेरिकन शो देखकर आया। उस शो का नाम है डेक्स्टर। ये एक मशहूर अमेरिकन क्राइम सीरीज है। इसमें लीड कैरेक्टर डेक्स्टर मॉर्गन ऐसे ही उन लोगों की हत्या करता है जिन्हें कानून सजा नहीं दे पाता। शो के पहले ही सीजन में दिखाया गया है कि वो जिनकी भी हत्या करता है उनके शव के टुकड़े कर देता है। उसके बाद उसे पानी में डंप करने के लिए बैग में बॉडी पार्ट के साथ कंकड़ पत्थर भर देता है। दिल्ली में आफताब को पानी नहीं मिला तो उसने श्रद्धा की बॉडी को जंगल में डंप करने की कोशिश की। आफताब द्वारा श्रद्धा की हत्या कोई पहला मामला नहीं है जब हत्यारे ने डेक्स्टर को फॉलो किया है। कनाडा में भी एक फिल्म मेकर मार्क एंड्रयू को ऐसे ही मर्डर के लिए दोषी पाया गया। मार्क एंड्रयू ने भी हत्या कर बॉडी के टुकड़े किए थे और सीवर में डंप किया था। इसके अलावा अमेरिका में भी एक ऐसी ही खौफनाक वारदात सामने आई थी। उस वारदात में एक टीन एजर लड़के ने अपनी नाबालिग 17 साल की गर्लफ्रेंड की ऐसी ही हत्या कर दी थी। इस मामले में भी पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया था तो अमेरिकी अदालत ने उसे 25 साल की सजा सुनाई थी। अब देखना होगा कि आफताब को क्या सजा मिलती है। आप बने रहिए इनसाइट लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।